हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो टुडे इन दिस वीडियो हाउ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी हैज़ मूव्ड इन द लास्ट वीक एंड हाउ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कैन मूव ऑन मंडे। सी इफ यू लुक एट द चार्ट व्हाट आई हैव सजेस्टेड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इफ निफ्टी ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर रेंज ओके एंड द रेंज हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ रेंज हाई वॉज अराउंड 35,143। वंस दिस रेंज ब्रेक्स अपसाइड देन वी कैन सी इट कुड हैव move further up okay if you look at the chart it has moved from here this particular range now it's moving in this zone okay overall if you look at the trend we can see that it is moving in a trying to make a narrow pattern okay so agar hum dekhen to isme kya dekh sakte hain ki agar ye is level ko cross karti hai kyunki ye jo range hai wo 20th दिसंबर से बना हुआ है और ये जो गैप है वो इस जगह फिल हुआ है, अभी ये इस जगह पर फिल हुआ है। तो पॉसिबिलिटी क्या है अगर ये रेंज इस जगह को सस्टेन नहीं मीन सस्टेन करती है और उसके ऊपर सस्टेन करती है तो प्रोबेबिलिटी ये है और हम इसको 35,900 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को ओके। अभी ये जो रेंज है पहले इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, नाउ इस रेंज की ट्रेड कर रही है। तो अगर ये सपोज इसी रेंज में ओपन होती है बैंक निफ्टी तो व्हाट वी कैन सी कि ये 35,579 को टच कर सकती है ओके और ये जो लेवल है वो ऑलरेडी दो बार टेस्ट हो चुका है तो चांसेस हैं कि ये 35,672 भी जा सकता है अगर इस लेवल को सस्टेन करके। तो देखते हैं जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 35,849 है और अगर ये उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो 35,963 भी टच कर सकता है। बस ये इस रेंज को अगर तोड़ता है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर एक रेंज में मार्केट बना हुआ है अगर ये उस रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है और ऊपर जाता है तो ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए अगर इस रेंज को टच करके ऊपर जाता है तो 35,693 को टच करता है और अगर ये सस्टेन करता है 5-10 मिनट्स तो हम इसको और हाई की तरफ देख सकते हैं और 35,963 और उसके हाई के ऊपर जाके 36 लेवल को क्रॉस कर सकता है। अगर ये 36 लेवल को क्रॉस करता है तो हम देख सकते हैं कि ये 36,380 की तरफ भी मूव कर सकता है। तो देखते हैं कि वहाँ कब मार्केट ओपन होता है, किस लेवल पे मार्केट ओपन होता है, फिर विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर ये देखिए बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होके नीचे जो सपोर्ट है वो 35,400 की तरफ है 402, अगर ये इस लेवल को टच करता है तो प्रॉबिलिटी है कि ये जो लेवल है वो दो बार टेस्ट हो चुका है, दो तीन बार, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 35,361। अगर ये लेवल नीचे की तरफ जाता है तो प्रॉबेबिलिटी है 35,236 भी क्रॉस कर सकता है और उसके नीचे 35,143 भी आ सकता है ओके। अगर ये 35,143 को सस्टेन नहीं कर पाता है 35,392 देन पॉसिबिलिटी है कि ये 35,298 की तरफ आकर ये 35,153 भी टच कर सकता है। अगर उसके लेवल के नीचे जाता है तो 35,049 भी टच कर सकता है। अगर ये इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया तो हम देख 35 के बिलो भी जा सकता है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है बिकॉज ये जो है वीक सपोर्ट हो चुका है तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसके नीचे जाकर 34,758 भी टच कर सकता है और अगर इस रेंज को टूटता है तो वी कैन सी फर्दर फॉल इन बैंक निफ्टी। सो व्हाट वी कैन सी अगर ये बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में ओपन होता है देन अगर ये गैप डाउन और गैप अप होता है तो गैप अप की जगह ये सपोर्ट बन सकता है और अगर गैप डाउन ओपन होता है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फिर उसके ऊपर विल सी अकॉर्डिंगली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देख इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड दे अगर ये रेंज टूटती है तो वी कैन सी इट कैन गो फर्दर हाई और इसने हाई बनाया है अराउंड 17,401 के करीब ओके। तो ये रेंज में अभी बना हुआ है अगर ये देखिए अब पहले इस रेंज में था अब इस रेंज में पर्टिकुलर हो गया है तो 17,401 एक हाई है। अगर ये इस रेंज के करीब आता है दैट मीन्स अगर ये 17,380 के करीब जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 17,400 को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है और ये 17,454 भी जा सकता है और अगर ये इसको सस्टेन करता है तो 17,488 एंड फिर उसके बाद 17,533 भी जा सकता है और ये 17,533 है जो लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है दो बार तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये 17,567 भी जा सकता है। मगर सपोज़ अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है इस लेवल को तो ये नीचे की तरफ जा सकता है 17,340। अगर ये उसको भी सस्टेन नहीं कर पाते प्रोबेबिलिटी है 17,321 की ओके। अगर ये उसके नीचे अगर ये लेवल जो है वो सपोर्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है वीक सपोर्ट है तो प्रोबेबिलिटी अगर ये इसके नीचे जाता है 17,336 के नीचे तो
तो प्रॉबिलिटी है 17,284 भी जा सकता है और अगेन फिर इस रेंज में आ जाएगा। अगर ये आता है तो इसकी प्रॉबिलिटी है कि ये इसी रेंज में बना रहे, और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 17,200 तो हम देख सकते हैं कि फर्दर लो जा सकता है और ये गैप को फिल करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ओके सो लेट्स सी वेयर द मार्केट ओपन्स। ओके इफ़ इट ओपन्स इन दिस पर्टिकुलर जोन देन 17,329 इज़ अ सपोर्ट। इफ़ इट गोज़ बिलो दिस लेवल देन 17,257, और इफ़ इट गोज़ बिलो दिस लेवल देन वी कैन सी लेवल ऑफ 17,200। ओके अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 17,363 और 17,401 ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो और ऊपर की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं। सो एनी डाउट यू कैन मेल मी। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब।